नमस्कार माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको मोदी केयर बिजनेस प्लान के बारे में बताऊंगा। और मोदी केयर के बिजनेस प्लान के बारे में बताने के लिए मैं आपको एक्यूमुलेटिव बिजनेस प्लान के बारे में पहले बताऊंगा। तो ये आपका मोदी केयर बिजनेस प्लान का चैप्टर वन होगा। तो आज का टॉपिक है आपका मोदी केयर बिजनेस प्लान। आज के जो चैनल है, इस चैनल के वीडियो में मैं आपको जो चैप्टर वन के बारे में बताऊंगा। चैप्टर वन मोदी केयर बिजनेस प्लान चैप्टर वन, और इस चैप्टर का नाम है आपका एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस प्रोग्राम। मोदी केयर बिजनेस प्लान चैप्टर वन एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस प्लान। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जो एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस प्लान है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, और उसका मिनिमम परसेंटेज लेवल क्या होगा और मैक्सिमम परसेंटेज लेवल क्या होगा। तो इसका जो स्लैब का परसेंटेज लेवल है वो मिनिमम है 7% और मैक्सिमम है 22%। तो मैं आपको बताऊंगा कि 7% से लेकर 22% तक के चरण में, यानी स्टेप्स में, कौन कौन से आपके टाइटल्स आएंगे, आपको कौन कौन से टाइटल्स अचीव करने पड़ेंगे, और आपको जो है उसके अकॉर्डिंग कितना बिजनेस वॉल्यूम आपको मिलेगा, जिसको बोलते हैं एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। तो एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम को शॉर्ट में हम बोलते हैं ABV, एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम इज अ शॉर्ट फॉर्म बी बिजनेस वॉल्यूम। बिजनेस वॉल्यूम की शॉर्ट फॉर्म होती है बीवी। अभी बीवी क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस प्लान के बारे में बताने से पहले आपको बीवी के बारे में जानना जरूरी है। और एक टर्म्स है आपका पीवी, ये सारे नेटवर्किंग मार्केटिंग के टर्म्स है। नेटवर्किंग मार्केटर्स में ये टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो बीवी होता है आपका बिजनेस वॉल्यूम और पीवी होता है आपका पॉइंट वैल्यू। अब बीवी और पीवी में आपस में रिलेशन क्या क्या है, अब दोनों के जो टर्म्स हैं उनमें आपस में क्या क्या रिलेशन है वो मैं आपको बताऊंगा। तो एक पीवी में आपका 27 बीवी के बराबर होता है, यानी कि आपका एक पीवी 27 बीवी के बराबर होगा। और अभी बीवी आपको किस हिसाब से मिलेंगे वो मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोज आपने मोदी केयर जो है मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन करवाया, मोदी केयर में रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है आपने वहाँ से कुछ शॉपिंग करी, चाहे वो शॉपिंग आपने डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट से जाकर करी हो या वो शॉपिंग आपने ऑनलाइन की हो, जो आपने जो परचेसिंग करेंगे, जितनी की भी आप परचेसिंग करेंगे उसका 50% आपको बीवी मिलेगा। सपोज आपने शॉपिंग करी 12,000 रुपये की, आपने कुछ प्रोडक्ट्स खरीदे और प्रोडक्ट खरीदने के बाद जो टोटल शॉपिंग पेमेंट बनी वो बनी 12,000 रुपये का बिल बना, तो आपको बीवी कितना मिलेगा, बीवी 12,000 का 50%, ये हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि इतना बीवी तो होना चाहिए। तो 50% 12,000 का 50% कितना हो गया, 6,000 बीवी आपका उस परचेसिंग करने पे एक्यूमुलेटिव जो बीवी आपको मिला, यानी बिजनेस वॉल्यूम जो आपको मिला वो बना 6,000। अब आपको पीवी कितना मिला उसके करस्पॉन्डिंग, तो अगर मैंने आपको बताया था कि अगर हम एक पीवी में 27 बीवी होते हैं, यानी कि हम टोटल बीवी को 27 से हम भाग दे देंगे तो हमारा पीवी निकल जाएगा। तो इसको हम तो
और 2 0 नौ दिन 18 अराउंड 22 या फिर 23 पीवी के अराउंड हम मान सकते हैं कि हमको 23 पीवी मिला। तो आपने समझ लिया होगा कि एक पीवी में 27 बीवी होंगे और बीवी को अगर 27 से भाग दे देंगे तो हमारा पॉइंट वैल्यू निकल जाएगा। पीवी मतलब पॉइंट वैल्यू और बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस के बारे में। एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस। अब एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस में हम क्या क्या चीज करेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ तक इसका एंड होगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये 7% से स्टार्ट होता है। इसका जो स्लैब है उसको बोलते हैं APB स्लैब यानी एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस स्लैब और 22% पर इसका लास्ट होगा। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं आपका परफॉर्मेंस बोनस लेवल यानी कि आपका इसके अंदर आपका टाइटल लिखा जाएगा कि आपका मोदी केयर के अंदर कौन कौन सा टाइटल्स है। यहाँ पर होगा एक्यूमुलेटिव बीवी यानी ABV, ए से एक्यूमुलेटिव, बी से बिजनेस वॉल्यूम, एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगा हमारा एक्यूमुलेटिव पीवी और एक्यूमुलेटिव पीवी के कॉरेस्पॉन्डिंग में आएगा हमारा परसेंटेज। इतना हमारा लेवल का परसेंटेज। तो स्टार्टिंग करते हैं, जब आप मोदी केयर को में रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आपको दो स्टेप से गुजरना पड़ता है। पहला स्टेप होता है KYC का और दूसरा होता है आपका NIFT डिटेल्स का। RO स्टेटस और CO स्टेटस, दोनों स्टेटस को अप्रूव होने के बाद जो है आपका, जब आप एक्टिव मेंबर बन जाते हैं और जब आप पहली परचेसिंग मारते हैं तब आप आ जाते हैं 7% पे। तो आपका जो टाइटल होता है वो होता है कंसल्टेंट का। तो पहले आता है कंसल्टेंट में ABV कितना होना चाहिए मिनिमम? मिनिमम ABV होना चाहिए इसका 25 और 25 को हम डिवाइड कर देंगे 47 से, उतना हमारा APV होना चाहिए। और परसेंटेज लेवल कितना बैठता है इसमें? 7%। जब आप पहली परचेसिंग करते हैं और पहली परचेसिंग करने से आपका DB 25 BV या 25 BV को क्रॉस करता है तो आप 7% पर आ जाते हैं। फिर आता है दूसरा लेवल आपका सीनियर कंसल्टेंट। ABV होना चाहिए इसके लिए मिनिमम 7025 और 7025 को डिवाइड कर देंगे 27 से, इसका आपका एक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू यानी ABV होना चाहिए। और लेवल ऑफ परसेंटेज इसमें बैठता है 10%। जहाँ आप की शॉपिंग से जो बीवी बन गया वो 7025 हो गया तो आप सीनियर कंसल्टेंट के पोस्ट पर आ गए और आपका परसेंटेज लेवल आप होंगे 10%। थर्ड आता है आपका एसोसिएट सुपरवाइजर, जिसमें आपकी बीवी होना चाहिए 30,025 को डिवाइड कर देंगे 27 से, आपका APV बनेगा और यहाँ पर परसेंटेज लेवल होगा आपका 30%। एसोसिएट सुपरवाइजर ABV 30,025 को डिवाइड कर देंगे 27 से और परसेंटेज लेवल आपका बैठेगा 30% यानी कि 13%। एसोसिएट सुपरवाइजर के बाद आता है आपका डेप्यूटी सुपरवाइजर।
डेप्यूटी सुपरवाइजर में जो आपका एबीवी होना चाहिए वो होना चाहिए कम से कम नहीं तो 67,225 आपका एक्यूमुलेटिव बिजनेस वॉल्यूम यानी कि एबीवी और एपीवी एक्यूमुलेटिव पॉइंट वैल्यू 67,225 को डिवाइड कर देंगे 27 से और उसमें परसेंटेज लेवल आपका बैठेगा 16% डेप्यूटी सुपरवाइजर का। डेप्यूटी सुपरवाइजर का जो एबीवी स्लैब है यानी एबीवी होना चाहिए वो आपका 67,225 और एपीवी होना चाहिए 67,225 डिवाइड बाई 27 और परसेंटेज लेवल आपका होना चाहिए 16%। डेप्यूटी सुपरवाइजर के बाद आता है आपका सुपरवाइजर। सुपरवाइजर के केस में आपका जो एबीवी होना चाहिए वो होना चाहिए 112,225 और 112,225 को हम डिवाइड कर देंगे 27 से तो हमारा एबीवी आ जाएगा और ये परसेंट लेवल बैठेगा हमारा 19%। ये हो गया आपका सुपरवाइजर का। और फाइनल हमारा आता है लास्ट में क्या, डायरेक्टर। 150,025 बीवी और 150,025 बीवी को 27 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एपीवी आ जाएगा और इसका जो परसेंटेज लेवल है वो है हमारा 22%। डायरेक्टर लेवल का है 22% और कंसल्टेंट का है 7%। तो 7% से स्टार्ट हुआ और 22% पर जाकर एंड हो गया। तो इस स्लैब को बोलते हैं, इस पूरे चार्ट को बोलते हैं हम एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस स्लैब। 7% से स्टार्ट होती है और 22% पर जाकर खत्म हो जाती है। तो ये था आज के, मैंने आपको बताया कि एक्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बोनस लेवल आपको किस तरीके से जो है बताता है कि आप जो है मोदी केयर के अंदर कितनी बीवी हैं आपकी और आपका परसेंटेज लेवल ये है और आपका वैलिड टाइटल या पेड एस टाइटल ये है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। चैप्टर 2 में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अर्निंग होनी किस तरीके से होती है, अर्निंग जब आप 7% परसेंटेज पर होंगे तो आपको अर्निंग कितनी होगी, 10% पर होंगे तो अर्निंग कितनी होगी, 16% पर होंगे तो अर्निंग कितनी होगी, 19% पर होंगे तो आपको अर्निंग कितनी होगी और 22% पर होंगे तो आपको कितनी अर्निंग होगी, तो वो मैं आपको आने वाली वीडियो के बारे में बताऊंगा यानी कि चैप्टर 2 में बताऊंगा। ये दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।